पिपरिया नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, यहाँ उपस्थित माताओं बहनों, विद्यार्थी मित्रों, मैं सबसे पहले हरीश भाई का और अजय भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया और आप सभी के साथ मुझे यहाँ प्रस्तुत कर दिया, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा भारत स्वाभिमान की जो पूरी टीम है, विवेक भाई जो मेरे साथ मंच पर बैठे हैं, प्रांतीय प्रभारी, इनका आभारी हूँ, ये ही मुझे आपके पास तक लेके आए हैं भोपाल से यहाँ तक। इनके सहयोगी श्री दीपेंद्र भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, श्री प्रणपाल जी का आभारी हूँ, कमलेश गौर, उनको भी आभार देता हूँ, और अतुल शास्त्री जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरी टीम ने काम किया और आपसे मेरा संवाद हो सका। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है 5 जनवरी 2009 से। इस अभियान में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं और मैं इस अभियान का राष्ट्रीय सचिव हूं। इस अभियान में पूरे भारत देश के कम से कम 2.5 से 3 लाख योग शिक्षक जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में 11 से 12 लाख योग शिक्षक इस अभियान से जुड़ जाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश और तैयारी चल रही है। जनवरी 2010 तक हमारे अभियान में कम से कम 11,50,000 योग शिक्षक होंगे। उसके अनुसार अभी हरिद्वार में ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण का काम चल रहा है। आप अगर नियमित रूप से आस्था चैनल देखते होंगे तो बार बार आपको दिखाई देता होगा, अभी एक राज्य के प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम, फिर दूसरे राज्य का, फिर तीसरे राज्य का, ये सतत चलने वाला है। इसके पीछे दृष्टि क्या है, हमें संगठन बनाना है और 11.5 लाख योग शिक्षक तो सीधे सीधे तैयार करने हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि 5 करोड़ भारतवासियों को हम हमारे अभियान के साथ सदस्य के रूप में जोड़ पाएंगे इन शिक्षकों की मदद से। अब आप पूछेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों इतना बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्या जरूरत है भारत स्वाभिमान की। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो योग और प्राणायाम सिखाते थे, आपने देखा है, सुना है, समझा है। अब जो व्यक्ति योग शिक्षक तैयार करने में लगा हो, जिस व्यक्ति ने योग और प्राणायाम को सारी दुनिया में फिर से स्थापित करने का संकल्प ले रखा हो, उनको अचानक से ऐसा क्या हुआ कि योग और प्राणायाम के साथ देश की बात, भारत स्वाभिमान की बात और ये सब करना पड़ जाए। कारण उसका बहुत स्पष्ट है और वही बताने के लिए मैं आया हूं। अपने भारत देश की वर्तमान जो दशा है और दिशा है, ये दोनों ही बहुत खराब है। देश की परिस्थिति ने हमको मजबूर किया है कि भारत स्वाभिमान नाम का हम अभियान शुरू करें और देश को कुछ सुधारने की कोशिश करें। आप बोलेंगे जी क्या खराबी है अपने देश में, आजादी आ गई है, 62 साल हो गए हैं। आजादी के पहले बहुत खराबियां थीं इस देश में, लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी बहुत सारी खराबियां इस देश में हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ कमियां, कुछ खराबियां हमारे देश की ऐसी हैं जो आजादी के 62 साल के बाद बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही। जैसे आजादी जब आई थी तब हमारे यहां बहुत गरीबी थी। गरीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितनी गरीबी थी, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जो हर 10 साल में पूरे देश का सर्वेक्षण करता है, जिसको आप जनगणना कहते हैं, मतगणना कहते हैं। जनगणना करने वाला भारत सरकार का जो विभाग है, उसने आजादी के बाद पहली बार जनगणना की थी 1951 में। तो 1951 में जब पहली बार इस देश की जनगणना हुई तो पता चला कि हमारी आबादी उस समय 34 करोड़ थी।
34 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ भारतवासी गरीब थे, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, और लगभग 4 करोड़ भारतवासी बेरोजगार थे, जिनके पास कोई काम नहीं था। आजादी जब हमें मिली तो 4 करोड़ भारतवासी गरीब और 4 करोड़ बेरोजगार, और कुल आबादी 34 करोड़। आजादी के बाद क्या होना चाहिए? आजादी के बाद अपनी सरकार बनी, सरकारों ने आपसे टैक्स लिए, टैक्स के बाद देश में बजट बने, विकास की योजनाएं चली। सबसे बड़ी विकास की योजना हमारे देश में चलती है, उसको हम पंचवार्षिक योजना कहते हैं। 5 साला योजना जो सरकार की है, ये सबसे बड़ी योजना होती है, सबसे ज्यादा खर्चा इसमें होता है। आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो पंचवार्षिक योजना में, हर पंचवार्षिक योजना में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, हर पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़। और हमारे भारत में आजादी के बाद 10 से 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी जो समय चल रहा है 12वीं पंचवार्षिक योजना का चल रहा है, तो 11 तो पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हो गई। एक पंचवार्षिक योजना में लगभग 10 लाख करोड़ का खर्चा होता है, तो 11 पंचवार्षिक योजनाओं में 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, 110 लाख करोड़। और पंचवार्षिक योजनाओं का जब आप ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलता है कि सभी पंचवार्षिक योजनाओं में सबसे ज्यादा जोर है गरीबी हटाओ, गरीबी खत्म करो इस देश में से। और जो भी सरकार हमारे देश में आती है, पंचवार्षिक 5 साल की योजना बनाती है विकास के लिए, वो एक काम है, और हर साल बजट बनाती है वो दूसरा काम। आप देखते हैं ना, हर साल बजट आता है भारत सरकार का फरवरी के महीने में, तो बजट का खर्चा साल का होता है वो अलग है, पंचवार्षिक योजनाओं का अलग है। अगर ये दोनों खर्चे मैं मिला दूं तो अब तक 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। 200 लाख करोड़ रुपए की रकम का अंदाजा है आपको, ये कितनी बड़ी रकम है, 200 लाख करोड़। इस रकम को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कारण क्या है? 200 लाख करोड़ लिखने के लिए 16 अंक लगते हैं और कैलकुलेटर में सिर्फ 12 अंक आते हैं। इतनी बड़ी रकम हमने खर्च कर दी, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, भूखमरी हमारे देश की खत्म नहीं हुई। क्या हो गया? हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आजादी के 62 साल के बाद भी इस देश में लगभग 6,38,365 गांव हैं, जिनमें से 4 लाख गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। करीब 2 से 2.5 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है। लगभग 3 लाख गांव में कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। आधे से ज्यादा गांव में स्कूल नहीं है, और जहां स्कूल हैं, ऐसे 90% स्कूलों में पेशाब करने की जगह नहीं है। अगर बच्चों को पेशाब आ जाए तो स्कूल में मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसे 90% स्कूल हैं इस देश में। जिन स्कूलों में पेशाब घर नहीं होगा, वहां टॉयलेट की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। हमारे देश की आजादी के 50 साल के बाद भी 50% भारतवासी हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, निरक्षर हैं। 70 करोड़ से ज्यादा भारतवासी हैं जिनके इलाज पर खर्च करने के लिए सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या हुआ है हमारे देश को? लाखों करोड़ों रुपए के हमने बजट बनाए,
लाखों करोड़ों रुपए की हमने योजनाएं शुरू की इस देश में, और हर साल ये बजट बनता है, हर साल योजनाएं चलती हैं, गरीबी इस देश में कम नहीं होती। गरीबी के बारे में मैं आपको बताऊं, 1951 में 4 करोड़ गरीब थे, अब 2009 में 84 करोड़ गरीब है। अगर गणित का सीधा हिसाब निकालें, ये सब विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 4 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ गरीब हो गए, तो गरीब कितने बढ़ गए? 80 करोड़। और अगर गुने में पूछूं मैं, कितने गुने बढ़ गए? 21 गुने बढ़े कि नहीं? 4 करोड़ से 84 करोड़, 21 गुने ज्यादा गरीब हो गए, और 80 करोड़ ज्यादा गरीब हो गए। क्या हो गया? हमने तो गरीबी खत्म करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए हैं, गरीबी तो बढ़ती जाती है। बेरोजगारों की बात करें, 1951 में इस देश में 4 करोड़ बेरोजगार थे, अब 2009 में 60 करोड़ हैं। तो बेरोजगारों की संख्या 56 करोड़ बढ़ गई। और अगर गुने में बात करें तो 15 गुने ज्यादा बेरोजगार हो गए लोग। तब आपके मन में यह आएगा कि गरीबी बढ़ गई, बेकारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, तो यह शायद इसलिए होगा कि आबादी बढ़ गई इस देश की, जनसंख्या बढ़ गई इस देश की। तो जरा हम पता करें कितनी जनसंख्या बढ़ गई। जब 1951 में हमने जनसंख्या का पहली बार सर्वेक्षण कराया तो पता चला हमारी आबादी 34 करोड़ थी, अब हमारी आबादी है 115 करोड़। तो 34 करोड़ से 78 करोड़ हो जाए तो आबादी एक गुनी बढ़ी, और 78 करोड़ में और 34 करोड़ जोड़ दो तो आबादी दो गुनी बढ़ी, और जोड़ दो तो 3 गुनी से ज्यादा तो आबादी नहीं बढ़ी ना। तो आबादी बढ़ी 3 गुनी तो गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़नी चाहिए? आबादी जितनी बढ़ रही है गरीबी इतनी बढ़नी चाहिए, आबादी 3 गुनी बढ़ी तो गरीबी 3 गुनी बढ़नी चाहिए। तो 4 करोड़ गरीब थे तो 12 करोड़ हो जाने चाहिए, 84 करोड़ कैसे हो गए? और जैसे बेरोजगारी की बात हम करें तो बेरोजगार 4 करोड़ थे, 3 गुने बढ़कर 12 करोड़ हो जाने चाहिए, बेरोजगार 60 करोड़ कैसे हो गए? यह गंभीर प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश में जो कुछ हुआ है उसने ना तो गरीबी मिटाई, ना बेरोजगारी मिटाई, ना भुखमरी मिटी इस देश की। आज भी इस देश में 50% बच्चे मां के पेट से जन्म लेने के बाद 3रे महीने में मर जाते हैं, क्योंकि माता उनको दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि मां के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि मां को खाने के लिए खुराक नहीं मिलती। ऐसी स्थिति, 50% बच्चे अभी भी इस देश में जन्म के 3रे महीने में मर जाते हैं। तो क्या हो गया हमारे देश को? यह गंभीर प्रश्न। हम अक्सर आपस में चर्चाएं करते हैं, गांव गांव जाने के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई छोटी से छोटी सुविधाएं भी हम हमारे गांव को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यह गंभीर प्रश्न है। इसी गंभीर प्रश्न का जब अध्ययन करने और समाधान खोजने की हम लोगों ने कोशिश की तो पता चला कि भारत में आजादी के 62 साल में सरकार ने पैसे तो बहुत इकट्ठे किए, आपसे टैक्स लेकर, मुझसे टैक्स लेकर, पैसे इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार, हर साल आपसे टैक्स लेती है सरकार। यहां कुछ उद्योगपति बैठे होंगे, व्यापारी बैठे होंगे, सरकार आपसे इनकम टैक्स ले लेती है, सरकार आपसे कॉरपोरेट टैक्स ले लेती है, एक्साइज ड्यूटी ले लेती है, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में पैसा ले लेती है, रोड टैक्स ले लेती है, टोल टैक्स ले लेती है, हाउस टैक्स ले लेती है,
64 तरह के टैक्स सरकार आपसे ले लेती है, उसमें कभी कमी नहीं छोड़ती सरकार। कभी ऐसा हुआ कि सरकार ने आपको बोला कि इस साल टैक्स माफ, छोड़ दो, नहीं देना, एक साल टैक्स नहीं लेंगे। कभी सूखा पड़ गया हो, किसानों के खेत में अन्न नहीं उपजा हो, तो सरकार कह देती है चलो किसानों का कर्ज माफ। ऐसे ही कभी ऐसा हुआ है व्यापारियों का टैक्स माफ, उद्योगपतियों का टैक्स माफ, नागरिकों का टैक्स माफ, नहीं लेंगे इस साल क्योंकि आप बहुत कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, इस साल टैक्स छोड़ देंगे। कभी नहीं छोड़ते टैक्स लेना। सरकार की तरफ से तो हर दिन ये प्रयास रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स उनको देते जाए। कई ऐसे टैक्स भारत की सरकार ने आपके ऊपर लगाए हैं जो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए थे। हमारे देश में एक टैक्स है जिसका नाम है सर्विस टैक्स, ये कभी अंग्रेजों ने नहीं लगाया लेकिन भारत सरकार ने लगा दिया आपके ऊपर। ऐसे बीसियों तरह के टैक्स जो कभी अंग्रेज भी नहीं लेते थे वो भी सरकार हमसे ले रही है, और टैक्स के रूप में हर साल हम उनको 6.25 लाख करोड़ रुपए देते हैं सरकार को, हर साल 6.25 लाख करोड़। 62 साल का हिसाब जोड़ें तो सैकड़ों लाख करोड़ रुपए हमने टैक्स में दे दिया। अब हमने तो टैक्स में दे दिया, क्या सोच कर दिया? आपको अगर मैं पूछूं कि आप सरकार को इनकम टैक्स क्यों देते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्यों देते हैं, सर्विस टैक्स क्यों देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों देते हैं, तो आप कहेंगे देश का विकास करने के लिए। और सरकार टीवी में भी आपको यही बताती है कि देश का विकास करना है तो ईमानदारी से टैक्स भरिए। विज्ञापन आता है कि नहीं? आयकर विभाग का विज्ञापन आता है, इनकम टैक्स का आता है, सर्विस टैक्स वालों का आता है, ईमानदारी से कर भरिए। उसमें छोटे बच्चों को माता पिता के साथ कई बार दिखाते हैं और बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं आपने टैक्स भरा, माने इमोशनल ब्लैकमेलिंग पूरे पक्के तरीके से सरकार करती है, टैक्स किसी के ऊपर छूटने ना पाए। और आपको मालूम है जो टैक्स की चोरी आप करें और आपको दंड लगे तो 60 गुना तक जुर्माना लगा देते हैं। कभी आपसे छोटी मोटी गलती हो गई, इनकम टैक्स भरने में कुछ चूक हो गई, तो दंड आपके ऊपर टैक्स का 60 गुना। टैक्स निकलता था 10,000 तो इसका 60 गुना दंड आपके ऊपर 6 लाख। तो सरकारें दंड भी लेती हैं, टैक्स भी लेती हैं, सारा पैसा इकट्ठा करती हैं और आपको सरकार बोलती है कि ये सारा पैसा हम खर्च करेंगे विकास के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, बेकारी खत्म करने के लिए। लेकिन 62 साल में तो आजादी के बाद के आंकड़े कह रहे हैं, और आंकड़े मेरे नहीं है, भारत सरकार के। हमारे देश में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके एक सहयोगी हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। 5 साल उन्होंने एक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 20 रुपए में तो 1 किलो आटा भी नहीं आता आजकल, 1 किलो सब्जी भी नहीं आती, 1 किलो दाल भी नहीं आती। कुछ दालें अगर खरीदनी पड़े तो 20 रुपए में 1 पाव आ जाएगी, 250 ग्राम। 80-80 रुपए किलो की दालें हो गई हैं, 50-60 रुपए किलो की सब्जियां हो गई हैं। 20 रुपए में तो पानी की बोतल 1 लीटर की, 20 रुपए लीटर दूध। माने हमारे यहां आजादी के 62 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, अब तो नमक 15 रुपए किलो आता है इस देश में, पैकेट में बंद। तो 20 रुपए जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए नहीं है, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो वो क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या जमीन पे बिछाते होंगे, कैसे उनके बच्चे पढ़ते होंगे, कहां उनका इलाज होता होगा। आप सोचें तो हृदय में हाहाकार मचता है।
क्या हो गया हमारे देश को, क्यों नहीं गरीबी दूर होती, क्यों गरीबी बढ़ रही है, बेकारी दूर क्यों नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं फिर भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है, देश में कोई भी तकलीफ हमारी खत्म नहीं हो पा रही है। जब इस सब विषयों पर अध्ययन करना शुरू किया तो कुछ मैंने दस्तावेज इकट्ठे किए तो उसमें से जो जानकारी मिली वो बिल्कुल अलग है। जानकारी ये मिली कि आजादी के 62 साल में इस देश के लोगों ने टैक्स का जितना पैसा सरकारों को दिया उसमें से 80% आपका धन नेताओं और अधिकारियों ने लूट लिया। 80%। और अगर मैं मेरी बात ना करूं, भारत के प्रधानमंत्री एक समय में जो रहे राजीव गांधी, उनकी बात करूं तो वो कहा करते थे कि एक रुपया अगर मैं गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है। इसका माने हर एक रुपए में 85 पैसे की लूट होती है। इसका माने जो भी बजट के लिए पैसा आप इकट्ठा करके देते हैं, जो भी पैसा पंचवर्षीय योजना के लिए इकट्ठा करके देते हैं, उनमें 85% धन की लूट होती है। अब आप बोलेंगे ये धन कौन लूटता है, ये लूटने वाले अपने ही नेता हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। 1947 के पहले तो बाहर के लोग थे जो लूटते थे, अंग्रेज थे, विदेशी थे, इंग्लैंड से आए थे, वो लूटते थे यहां का धन और इंग्लैंड लेके जाते थे। लेकिन आजादी के बाद से तो एक भी अंग्रेज नहीं है इस देश की संसद में, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश की राज्यसभा में या विधान परिषदों में कोई अंग्रेज नहीं है। सब अपने ही भाई भतीजे हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, आपके मेरे हमारे सबके, वही लूट रहे हैं इस देश को और लूट लूट कर धन जमा कर रहे हैं। अधिकारी लूट रहे हैं, नेता लूट रहे हैं। हम लोगों ने इस विषय पर बहुत खोजबीन की है और खोजबीन करते करते पता चला है कि आजादी के पिछले 62 सालों में हमारे नेता और अधिकारियों ने जो धन लूटा है वो रखा कहां है, यहां तो नहीं रखते, यहां रखेंगे तो पकड़ जाएंगे, कभी भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। तो नेता धन लूटते हैं, अधिकारी धन लूटते हैं, यहां नहीं रखते, दूसरे देशों में ले जाके जमा करते हैं। अब दूसरे देशों में ले जाके जमा करते हैं तो आप पूछेंगे किन देशों में जमा करते हैं। दुनिया में एक देश है बहुत छोटा सा, हमारे तो एक जिले से भी छोटा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। वहां कुछ बैंक हैं स्विट्जरलैंड में, जैसे अपने देश में बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक, और फिर बहुत सारी दूसरी जिला स्तर की सहकारी बैंक वगैरह वगैरह, ऐसी ये बैंकें दुनिया में सब देशों में हैं। तो एक देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, वहां 36 बैंक हैं, अपने यहां तो उससे ज्यादा है, लेकिन वो देश छोटा है, 36 बैंक हैं, उनके कुछ नाम हैं। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, दूसरी का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, फिर एक है बैंक ऑफ स्वाजीलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों में हमारे नेता और अधिकारी पैसा लूट कर जमा करते हैं। आप बोलोगे उसमें खाता खुल जाता है, हाँ खाता खुल जाता है, कोई भी खाता खोल सकता है, लेकिन जो खाता खोलता है उसका नियम है। जैसे आप अपने स्टेट बैंक में खाता खोलें तो स्टेट बैंक वाले क्या कहते हैं, कम से कम 500 रुपए जमा करो, कहते हैं ना, तभी खाता खुलेगा। स्विट्जरलैंड के बैंकों में नियम है कम से कम 10 करोड़ डॉलर जमा करो तब खाता खुलेगा, कम से कम 10 करोड़ डॉलर। तो इसका मतलब तो पक्का है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाता खोला है अगर किसी ने तो कम से कम 10 करोड़ डॉलर तो है उसके पास, और एक डॉलर में
₹50 होता है तो $10 करोड़ का मतलब हो गया ₹500 करोड़। माने ₹500 करोड़ से कम अगर किसी के पास है तो वो तो खाता ही नहीं खोल सकता। अब स्विट्जरलैंड की बैंकों में ऐसे 80,000 खाते खोले हुए हैं, 80,000 किसके हैं? भारत के नेताओं के और अधिकारियों के। आप बोलेंगे जी इनके नाम बता दो, बताने वाले हैं हम, थोड़े दिन इंतजार करो। हमने पूरी खोजबीन कर ली, एक एक का नाम पता किया है, एक एक का। आप बोलेंगे कैसे पता किया? वो जो बैंक वाले हैं ना जो खाता खुलवाते हैं वो बताते नहीं, वो गुप्त रखते, कोई जानकारी वो देते नहीं, तो फिर हमने कैसे पता किया? वो तो बताते नहीं किसी को, तो हमने कैसे पता किया? हमने ऐसे पता किया कि दिल्ली के हवाई अड्डे से, बंबई के हवाई अड्डे से, मद्रास के हवाई अड्डे से, कलकत्ता के हवाई अड्डे से, बड़े बड़े हवाई अड्डों से कौन कौन स्विट्जरलैंड जाता है इसका पता करो, तो उसकी पूरी सूची निकाली हवाई अड्डों से। हवाई अड्डों से पता चला, लाखों लोगों की सूची निकल आई। फिर उसमें से हमने छांटना शुरू किया कि इसमें यह पता करो कि हर महीने कौन कौन जाता है, हर महीने कौन जाता है, 15 दिन में कौन जाता है, 20 दिन में कौन जाता है, 25 दिन में कौन जाता है, पता करो। क्योंकि घूमने वाला आदमी स्विट्जरलैंड जाएगा, कोई कहता जी मैं तो घूमने गया था, ठीक है भाई तुम घूमने गए थे तो साल में कितनी बार घूमने कोई जाएगा? एक बार बहुत जाएगा, दो बार ज्यादा। लोग जो घूमने जाते हैं वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई एक बार स्विट्जरलैंड चले जाओ तो दोबारा जाने का दिल नहीं होता। क्यों? कुछ है ही नहीं वहां, कुछ ऐसा खास नहीं है। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से सुंदर तो अपना पंचमढ़ी है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो अपना शिमला है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो जम्मू कश्मीर है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो उत्तराखंड है। हिंदुस्तान में ऐसी 100 से ज्यादा जगह हैं जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर हैं। जो आदमी ने वो देखी नहीं है उनको स्विट्जरलैंड स्वर्ग लगता है, लेकिन जब इन जगहों को कोई देख लेता है वो कहता है स्विट्जरलैंड में तो कुछ नहीं है, हमारे यहां तो उससे ज्यादा है। तो इसलिए जो घूमने जाता है वो एक बार के बाद दोबारा नहीं जाता, लेकिन जो बार बार जाता है, हर महीने में 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ तो ऐसे महान हैं हर हफ्ते जाते हैं, उनकी सूची जब हमने निकाली तो उसमें 80,000 नाम निकल आए। और फिर हमने जब उनकी खोज करना शुरू किया कि ये नाम का आदमी हिंदुस्तान में क्या काम करता है, तो पता चला नेतागिरी करता है। इस नाम का आदमी हिंदुस्तान में क्या काम करता है? अब कोई उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योग चलाता है, व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापार करता है, और वो उस सूची में नाम में आता है तो मुझे संतोष है कि भैया वो तो उद्योगपति है, व्यापारी है, उसका तो हजारों करोड़ का व्यापार है, उसका तो हजारों करोड़ का साम्राज्य है, वो स्विट्जरलैंड जाके पैसे रखता है, जमा करता है, तो समझ में आता है कि उसके पास तो हजारों करोड़ है, 10 कारखाने 20 कारखाने 50 कारखाने। लेकिन जो शुद्ध नेतागिरी करता है उसका नाम उस लिस्ट में जो देखता हूं मैं तो खटकता है वो कि इसकी तो चाय की दुकान भी नहीं है और इसका नाम उस सूची में है, इसकी तो पान की भी दुकान नहीं है और इसका नाम वो स्विट्जरलैंड जाने वालों की सूची में है। तो मन में शक पैदा होता है कि नहीं? जिस आदमी ने जिंदगी में चाय की दुकान नहीं खोली, जिसने पान की दुकान नहीं खोली, जिसने कभी जिंदगी में किराने और परचून की दुकान भी नहीं खोली, जिसने कभी व्यापार नहीं किया, कोई उद्योग नहीं चलाया, उसका नाम जब स्विट्जरलैंड जाने वालों की सूची में आता है और हजारों करोड़ रुपए उनका वहां पड़ा हुआ है तो पक्की बात है कि उन्होंने कहीं से लूटा है वो पैसा। हमारे देश में पुराने जमाने में डकैत हुआ करते थे,
डाकू मोहर सिंह, डाकू माधो सिंह होते थे ना, डाकू जालिम।